हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हम लोगों ने मैथ्स में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं अलजेब्रिकली ग्राफिकली उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इससे रिलेटेड सिचुएशन हमारे चारों तरफ है, हमारे चारों तरफ जितने भी सिचुएशंस है। जैसे मान लीजिए कि अगर क्रिकेट में अगर कोई बैट्समैन सिक्स मारता है, है ना, सिक्स मारता है, तो अगर आप किसी पार्टी सपोज दैट कि अगर कोई बैट्समैन अगर सिक्स मारता है, है ना, तो अगर किसी पार्टिकुलर सिक्स को अगर आप स्टडी करना चाहेंगे, किसी पार्टिकुलर सिक्स को अगर आप स्टडी करना चाहेंगे, साइंस में उसे स्टडी किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी मैथ्स में भी उसको स्टडी कर सकते हैं। तो किसी अगर पार्टिकुलर सिक्स का अगर हम स्टडी करेंगे तो उसको स्टडी करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही इस्तेमाल किया जाता है, है ना। बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई रूम बनाना है सपोज दैट, तो अगर आपके पास ये कंडीशन है कि आपको उस रूम को रेक्टेंगुलर बनाना है, सपोज आपको उस रूम को रेक्टेंगुलर बनाना है और उसका एरिया जो है उसका एरिया आपको दिया हुआ है 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और आपके सामने ये कंडीशन रखा जाए कि उसका जो रूम का लेंथ जो है, ठीक है, रूम का लेंथ और ब्रेथ जो है वो कैसा लेंगे कि उसका एरिया जो है सो 100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर हम इसके लेंथ थोड़ा सा उसमें ये हिंट्स दे दिया जाए कि रूम का जो लेंथ है, है ना, वो ब्रेथ से सपोज 5 मीटर ज्यादा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक कंडीशन दे दिया जाए कि रूम का जो लेंथ है वो ब्रेथ से 5 मीटर ज्यादा है, ठीक है, तो हम ब्रेथ को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स इंटू एक्स प्लस 5, और ये दिया हुआ है कि ये 100 मीटर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 100, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 100 इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको x का वैल्यू आएगा और लंबाई चौड़ाई आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसका बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल है, ठीक है, तो हम ये स्टार्ट करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, है ना, कैसे पहचानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, सॉल्व करने के बाद कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जैसा कि यहाँ पे डिफिनेशन मैंने लिखा है, एन इक्वेशन इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कोई ऐसा इक्वेशन जिसमें इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर हो, इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर हो वो क्या हो, 2 हो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, जैसे मान लीजिए 6x² + 4x - 2 = 0, x² - 4 = 0, a² + 3a - 6 = 0, 3a² - 6a + 2 = 0, ये बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, जैसे यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें एक्स वेरिएबल है, ये भी एक्स वेरिएबल है, और यहाँ पर हमने वेरिएबल ए यूज किया है, यहाँ पे वेरिएबल ए यूज किया है, तो वेरिएबल चाहे कोई भी हो वो अगर उसका मैक्सिमम पावर अगर 2 है, वेरिएबल चाहे कोई भी हो अगर उसका मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, अगर कभी कभी क्या होता है कि इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन जो है, मान लीजिए अगर इस तरह का इक्वेशन आपके पास है, x + 1 × x + 2 = x = x + 2, मान लीजिए इस तरह का आपको इक्वेशन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको पहचानने में ये कंफ्यूजन होता है कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, क्योंकि हमने बाय डिफिनेशन हम लोगों ने क्या सीखा है कि एन इक्वेशन इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, यानी ऐसा इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल का वो 2 हो, लेकिन यहाँ पर तो मैक्सिमम पावर 2 है ही नहीं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसे ज्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है,
आप इसको थोड़ा सा इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जैसे मान लीजिए कि x इंटू एक्स प्लस टू, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, x और x को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू एक्स, वन और x को मल्टीप्लाई करेंगे, x टू और वन को मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स प्लस टू। अभी आपको क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स टू से टू कैंसिल और इधर आएगा तो माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे पावर कितना आ गया, टू आ गया, इसका मतलब ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसी को मैंने सॉल्व किया है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि जिसका पावर देखने में जो पावर टू है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इस तरह का भी आप इक्वेशन हो सकता है, उसको सॉल्व करने के बाद आप पता कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए ये इस तरह का हो, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस टू, ठीक है, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर एक्स को टू से मल्टीप्लाई किया टू एक्स, एक्स को वन से एक्स, फिर क्या हो जाएगा ये प्लस टू इज इक्वल टू एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में होगा ना, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, अभी क्या हो गया थ्री एक्स, इसको इधर ले आइए माइनस टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, दैट इज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना आ गया, यहाँ पे पावर वन आ गया। तो ऐसा नहीं कि इसको मैंने बताया सॉल्व किया टू आ गया तो आप इसको देख के डायरेक्ट बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको पहले आपको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद अगर इसका पावर, अगर इसका मैक्सिमम पावर है ना, लार्जेस्ट पावर अगर टू आया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर टू नहीं आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, है ना। ये सब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये ए वेरिएबल में है, ये एक्स वेरिएबल में, वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है ना, कहीं कहीं पर आपको इस तरह का भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, है ना, यहाँ पे क्या वेरिएबल पी है। एक चीज यहाँ पर है कि आपका दो वेरिएबल नहीं हो सकता, इसमें कोई एक ही वेरिएबल होगा, है ना, चाहे वो कुछ भी वेरिएबल हो सकता है और मैक्सिमम पावर इसमें टू होगा। इस तरह का अगर इक्वेशन है तो उसको पहले आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि एक्स का जो मैक्सिमम पावर है वो टू आ रहा है कि नहीं, अगर मैक्सिमम पावर टू आ रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम पावर अगर टू नहीं आ रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक और एग्जांपल यहां पर लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स प्लस टू का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखने से तो इसका मैक्सिमम पावर क्या लग रहा है, थ्री लग रहा है मैक्सिमम पावर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, हो भी सकता है। तो कैसे पता करेंगे, तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आपको ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है वो मालूम होना चाहिए। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब है ना प्लस बी क्यूब, यानी टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पे एक्स क्यूब यहां पॉजिटिव है और यहां भी एक्स क्यूब पॉजिटिव है, तो अगर एक्स क्यूब को हम लेफ्ट साइड लाते हैं तो ये माइनस में होगा, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल। अब यहां पे नहीं, ये क्या हो गया एट प्लस थ्री टू जब सिक्स एक्स इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू माइनस सिक्स, एट प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स। अब ये एट प्लस, आप यहां पे देख लीजिए कि इसका मैक्सिमम पावर क्या आ गया, टू आ गया, इसका मतलब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप ध्यान दीजिए कि यहां पर ये पावर थ्री था तो पावर पे नहीं जाना है, आपको इसको सॉल्व करना है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं कि पावर थ्री है हम इसको देख लिए कि यार ये तो पावर थ्री है तो क्यूबिक इक्वेशन होगा, ऐसा नहीं, उसको आप सॉल्व करेंगे, अगर उसको सॉल्व किया जा सकता है
तो सॉल्व करने के बाद उसको देखेंगे। अब इसको मान लीजिए इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं, ये 6x² 12x एज इट इज रहेगा और ये इसको इधर लाएंगे तो प्लस ये कितना हो जाएगा 14 = 0। अब इसको आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसको और इस इक्वेशन को और शॉर्टेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं किया जा सकता है। इसका पावर कितना है 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर आपको इस तरह का अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको तो आप इजीली पहचान सकते हैं कि भाई ये पावर सब में 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर इस तरह का और इस तरह का रहे तो पहले आप उसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जब आप देखेंगे कि हम इस इक्वेशन को आगे सॉर्ट नहीं किया जा सकता, आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है, उसके बाद उसका पावर देखेंगे। पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर पावर 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसके बाद सेकेंड टॉपिक यहां पर क्या है, एक चीज और यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे डिफिनीशन को। डिफिनीशन क्या है कि एन इक्वेशन इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हर चीज का एक जनरल फॉर्म होता है, हर चीज का जनरल फॉर्म होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² + bx + c = 0, वेयर a is not equal to 0। भाई अगर a अगर 0 हो जाएगा, a अगर 0 होगा, इसका मतलब क्या, ये x² वाला पूरा टर्म ही 0 हो गया। तो क्या ये जब x² वाला टर्म ही पूरा 0 हो गया तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं होगा। तो और एक चीज आपको और यहां पर जानना है कि a b and c आर रियल नंबर, a b और c रियल नंबर होगा, बट a जो होगा वो 0 नहीं हो सकता है, a 0 नहीं हो सकता है। a b c रियल नंबर होगा, उसमें से a जो है सिर्फ 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका जनरल फॉर्म है, इसको आपको याद रखने की जरूरत है, ax² + bx + c = 0, जहां पे a b c जो है रियल नंबर है और a जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² - 5x + 3 = 0। ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन है x² - 5x + 3 = 0। तो यहाँ पे हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें एक्स जो है सो वेरिएबल है, वन वेरिएबल है, तो एक्स जो यहाँ पर वेरिएबल है तो यहाँ पर हम एक्स का डिफरेंट वैल्यू इसमें हम डाल सकते हैं, है ना, एक्स का डिफरेंट वैल्यू इसमें डाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने यहां पर x = 0 पुट किया, फिर x = 1 पुट किया, फिर x - 1 पुट किया, फिर x - 2 पुट किया। अब x = जब 0 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा वो हम देखते हैं। तो यहां पर क्या है, x² है, तो 0² - 5 × 0 + 3, यानी जब x = 0 रखेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 1 पे देखते हैं, 1² - 5 × 1 + 3 = 0, 1² - 1 - 5 + 3, 1 - 5 - 4 + 3, यानी -1। -1 पे चेक करते हैं, -1² - 5 × -1
प्लस 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और माइनस माइनस प्लस 5, और ये माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 3, यानी 5 प्लस 1 6 प्लस 5 प्लस 1 6 प्लस 3 9। माइनस 2 पे चेक करते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 3, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 3, यानी 14 प्लस 3 17, यानी x का हम जितना भी वैल्यू इसमें डालेंगे तो इसका जो होगा डिफरेंट डिफरेंट जो है वैल्यू जो है सो आता जाएगा। ठीक है, तो स्टॉप कीजिए इसको, स्टार्ट। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हुआ कि आप x, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल x जो होता है वेरिएबल होता है, यानी जो भी वेरिएबल है तो आप वेरिएबल का यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू डाल सकते हैं, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स का बहुत सारा इसमें हमने वैल्यू डाला। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स वेरिएबल में। अब यहां पर क्या करते हैं, एक्स पहले जीरो पुट करते हैं, उसके बाद वन पुट करते हैं, उसके बाद माइनस वन पुट करते हैं, माइनस टू पुट करते हैं, माइनस थ्री पुट करते हैं। अगर एक्स हम इसमें जीरो पुट करते हैं तो जीरो का स्क्वायर जीरो, फाइव इंटू एक्स यानी फाइव इंटू जीरो जीरो प्लस सिक्स यानी सिक्स आता है। वन पुट करते हैं तो वन का स्क्वायर वन प्लस फाइव प्लस सिक्स यानी ट्वेल्व आता है। माइनस वन पुट करते हैं तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन माइनस फाइव प्लस सिक्स यानी माइनस फोर प्लस सिक्स यानी प्लस टू आता है। माइनस टू पुट करते हैं तो माइनस टू का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू माइनस टू प्लस सिक्स फोर माइनस टेन प्लस सिक्स सिक्स प्लस फोर टेन माइनस टेन यानी जीरो। उसके बाद माइनस थ्री पुट करते हैं, माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू माइनस थ्री प्लस सिक्स, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस फिफ्टीन प्लस सिक्स ये फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन यानी जीरो। अब यहां पे स्टूडेंट क्या समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स जो होता है वेरिएबल होता है या कोई भी वेरिएबल है उसका आप डिफरेंट वैल्यू डाल सकते हैं। मैंने यहां पे एक्स जब जीरो पुट किया तो ये कितना आया सिक्स आया, वन पुट किया तो ट्वेल्व आया, माइनस वन पुट किया तो टू आया, लेकिन माइनस टू जब पुट किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू कितना आ गया जीरो आ गया। माइनस थ्री जब पुट किया तो फिर कितना आ गया जीरो आ गया। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि आप उसमें एक्स का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालिए, जिस वैल्यू पर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो हो जाए, जिस वैल्यू पर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो हो जाए वही उसका रूट्स होता है। तो यहां पे जब मैंने जीरो पुट किया तो जीरो नहीं आया सिक्स आया, वन पुट किया तो ट्वेल्व आया, माइनस वन पुट किया तो टू आया, लेकिन जब एक्स का वैल्यू मैंने माइनस टू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट किया तो वैल्यू कितना आ गया जीरो। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये एक्स बराबर माइनस टू जो है ये रूट हुआ। फिर एक्स बराबर माइनस थ्री जब मैंने पुट किया तो फिर जीरो आ गया, इसका मतलब एक्स बराबर माइनस थ्री भी जो है इसका क्या हुआ रूट हुआ, और दो रूट होगा क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मैक्सिमम पावर क्या है टू है, तो इसका क्या होगा दो रूट होगा। इसके अलावा एक्स का कोई भी आप वैल्यू इसमें डालेंगे जीरो नहीं आएगा, है ना। यही दो जो होगा एक्स इज इक्वल टू माइनस टू और एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होगा। इसके अलावा इसका कोई दो रूट कोई अदर रूट नहीं होगा क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर टू है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो ही रूट होगा, इसके अलावा कोई भी इसका रूट नहीं होगा। आप इसको छोटे क्लासेस में पढ़े हैं, नाइन्थ क्लास में पढ़े हैं, एट क्लास में पढ़े हैं, सेवन क्लास में पढ़े हैं फैक्टराइजेशन। आप फैक्टराइजेशन मेथड से अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर ये फाइव एक्स को क्या लिख सकते हैं टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इसमें से कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस टू, इसमें से प्लस थ्री कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, इसमें से हम एक्स प्लस टू कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो
एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, यानी दो रूट आया ना, इसके अलावा कोई भी इसका अदर रूट नहीं हो सकता है, है ना। आज हम लोग इसको इतना ही तक डिस्कस करेंगे, इसको आप अच्छे से दो बार तीन बार वीडियो को रिव्यू करके देखें, है ना। इसके बाद इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है, आज मैंने जितना इंट्रोडक्शन दिया है इससे आपको एनसीईआरटी वाला बुक लगी। आज के इंट्रोडक्शन से आप इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर फोर एक्सरसाइज 4.1 आप इसको इजिली कर सकते हैं, है ना। हम इसमें क्वेश्चन आपको समझाते हैं, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आपको चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहला क्वेश्चन इसमें है x प्लस वन का होल स्क्वायर इजकल टू टू इन टू एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, एक चीज यहां पर और ध्यान दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं देखेंगे कि इसका पावर जो है मैक्सिमम पावर टू है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस सिक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर टू एक्स टू एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, मैक्सिमम पावर कितना आया टू आया, दैट मीन इसका मतलब ये जो है सो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी यहां पर लिखेंगे देयरफॉर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू टू इन टू एक्स माइनस थ्री इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ये आज के इंट्रोडक्शन पे आप ये एक्सरसाइज 4.1 जो है कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको ग्राफिकल मेथड, इसको जो सिचुएशन दिया हुआ है इसको अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। चैप्टर लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you, where then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. अरे कहता है अफ्ताब जो है वो अपनी डाउटर से कहता है 7 years ago यानी 7 साल पूर्व I was 7 times as old as you. I was 7 times as old as you यानी 7 साल पूर्व यानी 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था, है ना। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ और अब से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, और अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। तो इस सिचुएशन को ये इस सिचुएशन को आपको अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली इसमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते इसका सोल्यूशन, एक्स वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको बनाना बहुत ही इजी होता है, वो इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी इसमें आफ्ताब और उसके डॉक्टर का डिस्कस किया गया है, तो यहां पर हम लेट कर लेंगे कि लेट प्रेजेंट इज लेट द प्रेजेंट इज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, एक्सियस एंड द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉक्टर बना देंगे। वाई
मेजर्स, यानी हमने आफ्ताब केस को एक्स मान लिया, उसके डॉटर केस को वाई मान लिया। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि सेवन इयर्स एगो आई वॉज सेवन टाइम्स एज ओल्ड एज यू, यानी अफ्ताब बोल रहा है कि 7 साल पूर्व मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। ठीक है, तो इसको अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसे अफ्ताब जो है क्या है, अफ्ताब का प्रेजेंट है एक्स इयर्स है, सो 7 साल पूर्व की बात कर रहा है, 7 इयर्स अगो। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमने इसका प्रेजेंटेज अगर एक्स माना है, अगर बोल रहा है कि 2 इयर्स अगो, तो 2 इयर्स अगो यानी 2 इयर्स जो है सो बैक, तो इसमें से अगो की बात करेगा ना, तो उसमें से माइनस, प्रेजेंटेज में से माइनस करेंगे, और आफ्टर की बात करेगा तो उसमें हम लोग प्लस कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 7 इयर्स अगो यानी एक्स माइनस सेवन इयर्स एगो यानी 7 साल पूर्व आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर देन, यानी 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था, तो एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 7y। ठीक है, अब x इसको इधर लाएंगे तो x माइनस 7y, या माइनस 7 इधर आएगा तो प्लस 7, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या कर रहा है कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ यानी अब से 3 साल बाद आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, यानी 3 साल बाद की बात कर रहा है, एक्स प्लस 3 और उसके उम्र का 3 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये 3y। अब ये एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब इसी क्वेश्चन का एक पार्ट आपका सॉल्व हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, तो अल्जेब्रिकली कहने का मतलब है कि इसका आपको दोनों इक्वेशन रेडी कर देना है, अल्जेब्रिकली सॉल्व हो गया ये। अब ग्राफिकली की बात करेगा तो आप इस दोनों इक्वेशन से आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि किसी भी इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए उसका सॉल्यूशन फाइंड करना होता है, एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन। ऐसे तो आप बहुत कितने भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, कितने भी सॉल्यूशन से आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको 2 सॉल्यूशन चाहिए, 2 सॉल्यूशन से, एक सिंगल सॉल्यूशन से आप उसका ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन निकालते हैं, तो यहां पर हम यहीं पर एक टेबल बना देते हैं इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, है ना। एक्स लिखते हैं इसमें वाई, सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाएगा, एक्स का वैल्यू अगर इसमें हम 0 रखेंगे, ठीक है, एक्स का वैल्यू 0, सपोज अगर एक्स का वैल्यू यहाँ पर हम 0 लेते हैं, ठीक है, या वाई मान, सपोज अगर वाई 0 लेते हैं तो यहाँ पर ये टोटल पार्ट 0, एक्स कितना आ गया 7 आ गया। उसके बाद अगर एक्स हम 0 लेते हैं तो ये 0, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7y-7, यानी वाई कितना हो जाएगा -1। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, इसके लिए भी सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, एक्स वाई, इसमें भी अगर हम वाई अगर 0 लेते हैं तो एक्स माइनस 3 आएगा, एक्स अगर जीरो लेंगे तो वाई कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब ये 2 सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, और इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है दैट पॉइंट इज नोन एज ओरिजन, है ना। इधर मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. -1, -2, -3, -4, -5, -6. अब ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को हम इससे प्लॉट करते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है? इसका फर्स्ट सॉल्यूशन आपका है 7, 0, 0, -1। ये फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन। एक्स का जो है, पहले जो होता है शुरू, फर्स्ट जो होता है वो एक्स का वैल्यू होता है, सेकंड वाला वाई का वैल्यू, ये ऑर्डर पेयर है। तो पहले हम 7, 0 को प्लॉट करते हैं, तो x7, y0। तो x7 कहां पर होगा? यहां पर होगा, ठीक है। और y0 कहां पर होगा? यहां पर y0 होगा। हम इधर बढ़ेंगे, इस ये y एक्सिस पर बढ़ेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस बढ़ेंगे, है ना, तब y का वैल्यू बढ़ेगा। इधर y का वैल्यू 0 होगा, तो यहां पर जो वैल्यू है ये आपका है 7, 0। उसके बाद x का 0, y का -1, तो x0, y-1, x0 और y-1, तो ये यहां पर आएगा। x0 यहां पर होगा और y-1 ऊपर जाएंगे तो y प्लस होगा, नीचे आएंगे तो y, तो यहां पर आपका हुआ x0, y-1। इसको हम यहां पर लिखते हैं x0, y-1। अब इसको क्या करते हैं कि इस दोनों, आप इसको ग्राफ पेपर पर बना सकते हैं, यहाँ पे उस तरह का व्यवस्था नहीं, इसको हम फॉर्मली आपको समझा रहे हैं, इस तरह से आप इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम बाय हैंड ड्रॉ कर रहे हैं, तो हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक भी हो जाए, कि इसको बाय हैंड, तो इसको ये जो स्केल होता है ये फिक्स लेना होता है, यहां से यहां तक का जितना डिस्टेंस होगा वही ये डिस्टेंस, तो बाय हैंड तो हम इसको ले नहीं सकते हैं, तो ग्राफ पेपर पे आप इसको सही कर सकते हैं। ग्राफ पेपर पे इसको आप जब ड्रॉ करेंगे तो आप एकदम सही आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हुआ। उसके बाद इस लाइन पे क्या करेंगे कि आप इक्वेशन लिख देंगे, ये कौन से, ये इक्वेशन कौन से लाइन का, कौन से इक्वेशन का ये लाइन था, x-7y = 7। तो यहां पर लिख देंगे x-7y = 7। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट सॉल्यूशन यहां पर है -3, 0, 0, 1। x-3, y0, x-3 यहां पर आ रहा है और y 0, तो x-3 यहां पर, तो -3, 0, 0, 1, x0, y1, x0, y1, x0 और y1, तो y1 कहां पर होगा? पॉजिटिव वन यहां पर, तो ये आपका हो गया 0, 1। अब ये आपका यहाँ पर से क्या करेंगे इस इक्वेशन पर, इस पर फिर हम ये x-3y, ये आप लोगों को क्लास में ही पढ़ाया गया है, क्लास में ये पढ़ाया गया है, फिर भी आप लोग का ये डिमांड था कि नहीं ये ग्राफ का सोल्यूशन नहीं समझ आया, तो फिर मैं इसको एक बार दोबारा बताया, इसे क्लास से पढ़ाया गया है, ओके। लाइट नहीं जला, किसका लाइट? इसका नहीं जला।